फ्लाइट से सफर के दौरान कानों का रखें खास ख्याल। हवाई सफर और कान दर्द का क्या है संबंध? एरोप्लेन ईयर के पीछे क्या है साइंस? इन उपायों से तुरंत मिलेगी राहत। लंबी से लंबी दूरी कुछ मिनटों में तय करने के लिए हवाई जहाज बहुत ही अच्छा साधन है। आज के समय में हवाई यात्रा यातायात का सबसे सुलभ जरिया हो गया है। पहली हवाई यात्रा का अनुभव हर किसी के लिए खास होता है। इस पहली यात्रा को और भी यादगार बनाने के लिए आपको अपने कानों पर खासा ध्यान रखना होता है। अगर आप फ्लाइट से सफर करते रहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर सफर के दौरान आपके कानों में तेज दर्द होता है। फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त कान में दर्द की शिकायत आम सी बात है। जिन्हें इस दर्द के बारे में नहीं पता वे अक्सर डर जाते हैं और इसे किसी गंभीर बीमारी की वजह समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि इसकी असली वजह क्या है और इससे निजात कैसे पाया जा सकता है। कान दर्द की क्या है वजह? फ्लाइट जब भी रनवे से टेक ऑफ करती है या फिर लैंडिंग के वक्त एक निश्चित ऊंचाई से नीचे आती है तो उस वक्त कान में दर्द महसूस होता है। ऐसा कान के अंदर मौजूद हवा और वातावरण में मौजूद हवा के बीच प्रेशर का अंतर होने के कारण होता है। इसे एरोप्लेन ईयर के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर कान के अंदर और बाहर हवा का दबाव समान होता है या इतना भी भिन्न नहीं होता कि कानों में परेशानी हो। हमारे कान में मौजूद स्टोशियन ट्यूब आमतौर पर हवा का प्रेशर बदलने पर तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करती। कान के पर्दे के पीछे मिडल ईयर में निगेटिव प्रेशर बनता है जिसकी वजह से स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, जिसके कारण अचानक से कान में तेज दर्द होता है। आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ हवाई यात्रा के दौरान ही नहीं बल्कि 20 से 25 मंजिला इमारत से लिफ्ट से उतरने के दौरान भी हो सकती है। एरोप्लेन ईयर से आराम के लिए करें ये काम। हालांकि फ्लाइट में कानों में दर्द होना अस्थाई है, जो अक्सर फ्लाइट से उतरने के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन यदि आपको बहुत तकलीफ हो रही हो तो आप इन उपायों की मदद से आराम पा सकते हैं। च्युइंगम चबाने या हार्ड कैंडी खाने से कान के पर्दे की मसल्स काम करती रहेगी, जिससे मिडिल ईयर में प्रेशर बना रहेगा और ट्यूब खुली रहेगी। इससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। फ्लाइट लैंड करते वक्त अपने नाक और मुंह को बंद कर लीजिए और अंदर ही अंदर कान की ओर धीरे धीरे हवा फेंकिए। इससे स्टोशियन ट्यूब खुल जाएगी और आपको दर्द कम होगा। लेकिन यदि आपको सर्दी है या एलर्जी है तो आप इस एक्सरसाइज से बचें। इसकी जगह आप मुंह और नाक बंद कर प्रेशर बराबर होने तक कई बार निगलें। निगलने से मसल्स को फंक्शन करने में मदद मिलती है, जिससे आपको कान दर्द में राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि आपसे कान दर्द की पीड़ा सही नहीं जा रही तो आप फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड करने के एक घंटे पहले दवा ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।